चलो चलो निकालो जितना कमाए इस हफ्ते में। रहने दीजिए ना प्लीज, मुझ जैसे गरीब को परेशान करके आपको क्या मिलेगा। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए, प्लीज छोड़ दीजिए। बिल्कुल चुप और चुपचाप से पैसे निकालो, वरना तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। रुक जाओ, इतना जल्दी भी क्या है, अब ये कौन है? देखो तुम चले जाओ, इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? छोड़ दो ने, परेशान करके तुम्हें मिलेगा क्या? तुम गरीबों की यही औकात है कि हम अमीरों के पैरों के नीचे रहना, ठीक है? बस बहुत हुआ। वाह जंकुक वाह, कमाल कर दिया तूने, वाह। मैं तो हूँ ही कमाल का। अगर तुम इतने अमीर हो तो खुद कमाओ ना, गरीबों के पैसे क्यों मांग रहे हो? और तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा अमीर हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों में इंसानियत है। हम गरीब है पर हम में इतनी अकल है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। अकल की जगह कहीं तुम्हारे दिमाग में पैसे तो नहीं भरे हैं? तुम अमीर बाप की औलाद हम पे हुक्म चलाते हो, हम क्या तुम्हारे बाप के नौकर हैं? कभी मेहनत करके खुद से एक रुपया भी कमाया? छोड़ो तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी, यहाँ से चले जाओ। अब जा रहा हूँ मैं, तुम्हें अच्छे से देख लूंगा। बहुत हीरो बने फिरते हो ना, देख लेना आराम से, मेरा नाम जंकुक है। गाइस गाइस मुझे आप लोगों को एक बात और बतानी जंकुक के बारे में, जंकुक चोरी भी करता है बट जंकुक बहुत काइंड है, अपने से बड़ों की बहुत इज्जत करता है, तो स्टोरी कंटिन्यू करता है। वाह भाई क्या फाइटिंग की है, कमाल कर दिया सच में। मुझे बात समझ में नहीं आती, तू खुद चोर हो के दूसरों को ज्ञान झाड़ रहा है। अरे भाई तुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मैं अमीरों के पैसे लेता हूँ ना कि गरीबों के, और ये अमीर हुकुम चलाता हूँ गरीबों पे। पता नहीं किस चीज का घमंड लेकर घूमते हैं अपने साथ, पैसे के अमीर दिल के गरीब कहीं के इडियट्स। भाई तेरे अंदर इतनी अकल आ कहाँ से रही है? वो कल मैंने फिल्म देखी थी भाई, ये कोई ज्ञान की बातें नहीं है, ये सारे फिल्म के डायलॉग है जो मैं याद करके आया हूँ। वही तो हमारे जंकुक कैसी बातें कर ही नहीं सकता है। सुबिन जंकुक का बहुत अच्छा फ्रेंड जो कि बचपन से ही दोनों साथ हैं। जंकुक पर हमारे पास पैसे नहीं है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? आज तो नहीं हमने चोरी की, नहीं शराब पी पाएंगे। तुझे हंसी आ रही है बहुत, मैंने तो सोचा था आज हम न्यू ब्रांड पियेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। अरे भाई तू मेरे ऊपर फिक्र क्यों कर रहा है, मतलब तेरे पास पैसे हैं? और क्या, मेरे पास भी पैसे हैं, वो भी पूरे 3000। भाई इतने सारे पैसे कहाँ से लाए तू? अरे भाई तू आम खाना, गुटलियाँ क्यों गिन रहा है? भाई 3000 रुपए तेरी औकात से कहीं ज्यादा। यार जंकुक तो फिर मेरी बेइज्जती मार रहा है। भाई ये तो मेरा प्यार है तेरे लिए जो मैं दिखाता हूँ तुझे, तू मेरा बचपन का दोस्त है यार, तू मेरी चड्डी बड़ी है, हम बचपन से साथ हैं यार। लव यू ब्रो। यार जंकुक ये किसी किसी मत क्या कर, अच्छा नहीं लगता, मैं कि तेरी जिया हूँ। और क्या, तू ही तो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड। हट हर की कहीं का, तेरे से तो बात करनी बेकार है, चल ना चलते हैं, मजे करेंगे पैसों से। हाँ भाई चल, क्या मैं एक और किसी करूँ? अगर तुझे थप्पड़ खाना है? नहीं नहीं यार चल अपने अड्डे पे चलते हैं। बस थोड़ा सा और। युंगी चल पहले लंच कर लेते हैं, बाद में काम कर लेंगे। हाँ युंगी जो गैराज में काम करता है और उसका बेस्ट फ्रेंड है युनवो। हाँ भाई आ रहा हूँ, चल चलते हैं, फिर दोनों साथ में लंच करते हैं और फिर अपने काम पे वापस आते हैं। सर मुझे जाना है घर, मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, प्लीज। हाँ तो जाओ ना घर, तुम्हें रोका किसने है? हाँ सर पर वो थोड़े पैसे चाहिए थे इलाज के लिए, प्लीज दे दीजिए। देखो मैं कोई मनी बैंक नहीं हूँ जो तुम कभी भी मुंह उठा के आओ और मैं तुम्हें पैसे दे दूँ। और दूसरी बात ये कि अभी तुम्हारी सैलरी का टाइम नहीं हुआ है, तो यहाँ से चले जाओ, अभी तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। सर प्लीज मेरी सैलरी से काट लेना, पर मुझे अभी बहुत जरूरत है, प्लीज दे दीजिए। देखो यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, एक सेकंड रुको। हाँ क्या? तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? क्या? देखो मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ तो दे ही सकता हूँ, अगर हम दोनों एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलो, इट्स माय प्लेजर। तुम बहुत अच्छे युंगी। देखो मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, 3000 रुपए है, क्या उससे काम हो जाएगा? थैंक यू युंगी, तुम बस दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। फिर युंगी अपना वॉलेट निकालता है। पैसे? पैसे कहाँ गए मेरे, मैंने इसी में तो रखे थे। फिर युंगी युनवो के पास जाता है। भाई तेरे पास 3000 रुपए होंगे? हाँ होंगे। हाँ है, बोल। तू मुझे दे दे, मैं तेरे को बाद में वापस कर दूंगा। हाँ भाई ले ले, पर हुआ क्या? थैंक यू सो मच यार। इट्स ओके यार, वी आर फ्रेंड्स। फिर युंगी उस आदमी के पास जाता है। ये लो पैसे और जल्दी से जाओ अपनी बेटी का इलाज करवा लो। थैंक यू सो मच युंगी, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ओ तो तूने इसलिए पैसे मांगे थे? हाँ भाई इसीलिए मांगे थे, पर मेरे पैसे कहाँ गए? देख भाई तुझे ही पता होगा तेरे पैसे। एक सेकंड, जंकुक, ये जंकुक किसी ने मेरे पैसे लिए हैं? एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे लिए कॉफी ला सकते हैं? ऑफ कोर्स मैम, ये लीजिए आपकी कॉफी।
ओह थैंक यू सो मच, मुझे तुम्हारी कॉफी सबसे बेस्ट लगती है। थैंक यू सो मच मैम। यह नाम जंको करियोंगी का बड़ा भाई, इनका एक छोटा सा कैफे है। आप इतनी अच्छी कॉफी बनाते हो, किसी बड़े कैफेटेरिया में जाके अपना काम करो ना। इतना छोटा सा कैफे क्यों चलाते हो और काफी पढ़े लिखे भी हो तुम। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जो दिल से करो वो काम सबसे अच्छा होता है। और ये मेरे डैड का कैफे है, तो अब वो तो नहीं रहे तो इसलिए अब ये कैफे मैं चलाऊंगा। That's nice, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच मेरी कॉफी को इतना पसंद करने के लिए। भाई सच सच बताइए तो ये पैसे कहाँ से चुरा के लाया था, क्योंकि तू कमाता धमाता तो कुछ नहीं है, बस चोरी करता है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना, आम खा गुटली मत गिन, मुझे पता है। यार तू एक दिन बड़ी चोरी क्यों नहीं करता है, थोड़ा चोरों वाले लक्षण दिखा तो तू मुझे चोर नहीं मानता है। अबे दम है तो जाके प्रेसिडेंट के घर चोरी करके आ। भाई तू मुझे चैलेंज कर रहा है ना? हाँ मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ। भाई पर तू रहने दे बजाना, तू नहीं जा पाएगा, वहाँ सबके औकात थोड़ी ना होती है जाने की, और खासकर तुझ जैसे चोरों की। अच्छा चैलेंज एक्सेप्टेड। तू पागल हो रहा, मरवाएगा क्या? भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियस क्यों हो रहा है? तू जेल जाना चाहता है क्या भरी जवानी में? नहीं नहीं भाई, अब तो चोरी होगी तो प्रेसिडेंट के घर पे। भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, नशे में हूँ मैं। तो मैं कौन सा होश में हूँ, मैं भी तो नशे में हूँ। तो इसका मतलब तू नहीं जा रहा, तू मजाक कर रहा था? देख भाई जंगकुक जो कहता है वो करके दिखाता है। तो हम जाएंगे, ओके तैयार रहियो कल। ओके तो मैं चलता हूँ, मुझे घर जाके जूते भी पड़ने वाले हैं। इसका हमसे क्या मतलब, तो मैं भी जा रहा हूँ क्या? लगता है मुझे भी जूते पड़वाएगा। मजा आ गया आज तो। जंगकुक बहुत खुश लग रहे हो, कहीं से आ रहे हो क्या? भाई आप? हाँ हाँ मैं युंगी, तुम्हारा बड़ा भाई। एक बात और, मेरे जेब में ना कुछ पैसे थे सुबह। तो भाई पैसे थे तो? तो मेरे पैसे मिल नहीं रहे हैं, शायद किसी ने चुरा लिए। चुरा लिए? भाई कौन चुरा सकता है, यही कहीं होंगे, ढूंढ लो। आखिर मैं तो बहुत शरीफ हूँ जंगकुक, मुझे पता तुम्हीं ने मेरे पैसे लिए हैं। भाई वो देखो बेवकूफ बना रहे थे मुझे। भाई 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 देखो नामजिन भाई आ गए। नामजिन भाई? कहाँ नामजिन भाई? बाय भाई मैं तो चला। जंगकुक ये कहाँ गया, लगता है भाग गया, छोड़ू मनी से। फिर से कम पड़ गए पैसे, क्या करूं मैं? क्यों इतनी मेरी लाइफ इतनी स्ट्रगलर है? काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा होता जो मुझे समझ सकता, मेरी केयर कर सकता। तो कल का क्या शेड्यूल है इंजन? सर आपको कल कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ओके ठीक है। जी हो प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया, और रिच तो ऑफ कोर्स हो गई प्रेसिडेंट है, और युंजिन जी हो पर सेक्रेटरी है। तो सर मैं चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट युंजिन, तुम भी अब अपने घर जाओ। मेरी दवाइयाँ और दूध ये लीजिए। हम अपनी दवाई हमेशा भूल जाते हैं, पर आप नहीं भूलते। आप भूल गए तो क्या हुआ, हम थोड़ी ना भूलेंगे। हमें पता है आप भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। ये लीजिए आपका दूध, आपकी मेडिसिन, और खाके सो जाइए। आपको पता है हम बहुत लकी है, हमें आपकी जैसी बेटी मिली। नो डैड, लकी तो हम है कि आप जैसे डैड हमें मिले। पता नहीं जब आपकी शादी हो जाएगी तो हमारी केयर कौन करेगा ऐसे। डैडी ऐसे मत बोलो, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, ओके? अब आप सो जाओ। लेकिन एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, अगर हम चले भी गए तो आपका ध्यान हमारी दोनों बहनें रखेंगी। वैसे कहाँ है दोनों शैतानी? डैडी यही कहीं होंगी, लड़ रही होंगी दोनों। आओ आओ लेकर दिखाओ मुझसे। ताई रुक जाओ मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। ताई रुक जाओ मैं बता रही हूँ। ताई ये क्या कर रही हो? रुको क्या कर रही हो ये? दीदी क्या हल्ला मचा रखा है ये, तुम दोनों ऐसे क्यों भाग रहे पूरे घर में? दी ताई को देखो मेरी बुक लेकर भाग रही, मुझे दे नहीं रही है। अच्छा जी इतनी हिम्मत है तो खुद ले लो। दी को क्यों बोल रहे हो? ताई ऐसे बोलते हैं, जिमिन तुमसे बड़ी है ना। लेकिन दी ताई मैंने कहा बुक वापस करो जिमिन को। डैडी आपने देखा ये दोनों मुझे कैसे परेशान कर रही हैं? देखो आप तीनों के मैटर में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये आप तीनों का मैटर है, खुद सॉल्व करो। डैडी प्लीज इसे कह दो मेरी बुक वापस कर दे। ताई बेटा बुक वापस कर दे जिमिन की बेबी। ओके डैड। ताई सबसे छोटी और सबसे नॉटी, तीनों बहनों में सबसे ज्यादा शैतान। फिर ताई बुक जिमिन को वापस दे देती है। कहा थी मैं, इसने मेरे सारे पेजेस उल्टे सीधे कर दिए। डैड देखा आपने? शुक्र मनाओ मैंने आपको आपकी बुक वापस कर दी, वरना इसकी हालत कुछ और ही होती। तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जिमिन सबसे शांत, जिसको बुक्स पढ़ने के अलावा कुछ नहीं पसंद। इनफैक्ट जिमिन की दुनिया जिमिन की बुक्स ही है।
मैं जा रही हूँ अपने रूम में। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटा। अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो बोर हो जाऊंगी। अब शायद तुम अपने रूम में जाके सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। ओके जाओ प्रिंसेस, सो जाओ, बाकी की मस्ती कल करना। क्या डैड, मुझे और मस्ती करनी थी। बस आज के लिए तुम्हारी मस्ती बहुत हो गई, अब जाके सो जाओ। हाँ बेटा जाओ सो जाओ, वरना तुम्हारी ब्यूटी कम हो जाएगी और तुम्हारे चेहरे पे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। हाँ? क्या डार्क सर्कल्स? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी सोने जा रही हूँ। ओके बाय, गुड नाइट डैड। गुड नाइट दी, मुझे मेरी ब्यूटी से बहुत प्यार है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ओके डैड गुड नाइट, आप भी सो जाओ। हाँ बेटा आप भी जाओ। फिर ऐसे सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगी। ओके बाय, टेक केयर।